ग्राम पंचायत कांकरिया में स्कूली बच्चों को दिया जा रहा था गुणवत्ताहीन भोजन। ग्रामीणों ने की शिकायत। ग्रामीणों का आरोप है मेनू अनुसार नहीं मिल रहा था भोजन, समूह को हटाया जाए। महेश्वर शुक्रवार को ग्राम पंचायत कांकरिया के ग्रामीण जनों द्वारा इकट्ठा होकर जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मण सिंह राठौर को आवेदन सौंपा गया। आवेदन में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि माँ दुर्गा स्व सहायता समूह की संचालिका अध्यक्ष अनीता पति मदन ओसारी द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को गुणवत्ताहीन एवं मेनू अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में बच्चों को जिस तेल से सब्जी बनाकर दी जा रही है वह तेल पूर्व में उपयोग कर जला हुआ है। शिकायत करने पर समूह की संचालिका द्वारा अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, वही रसोइयों से भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ग्रामवासियों की मांग है कि समूह की संचालिका अध्यक्ष को हटाया जाए और नए अध्यक्ष को समूह का कार्यभार सौंपा जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। हमें और हम ग्राम काकरिया पंचायत से आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारी समस्या है कि हमारे जो स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो कर्मचारी है जो मतलब जो मध्यान्ह भोजन बनाते हैं वो जला हुआ तेल खिला रही है, और उसके जो भी समस्या है हमारी इसका समाधान करें। यहाँ पे क्या चाहते हैं आप? कि जो महिला है ना उसको हटाया जाए। आज ग्राम काकरिया से आया हूँ जनपद में, और मध्यान्ह भोजन में जो जला हुआ तेल आता है उससे मध्यान्ह भोजन की जो अनिता भाई अध्यक्ष है वो बच्चों को जला हुआ तेल से 15 से 20 रोज के घर आ रही है, और एक भाई जो हमारे साथ में मध्यान्ह भोजन के रसोई में काम करती है प्रिंसिपल ने उसका नाम हटा दिया गया है, और मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार से कि इनका जो भी है वापस नाम जोड़ा जाए, बिना अनुमति से हटाया गया है। और क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि वो भाई को समूह से भी हटाया जाए और इस मध्यान्ह भोजन में सख्त से कार्रवाई की जाए। डिजियाना न्यूज डिपार्ट रिपोर्ट, महेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।